सर्दियां अपनी ढलान पर हैं, धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। साथियों, बदलता मौसम सांस के मरीजों के लिए काफी मुसीबत लेकर आता है। अचानक से बदलाव होने वाले मौसम में अक्सर उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिन्हें सांस फूलने की समस्या रहती है। ये मौसम अस्थमा को ट्रिगर करने के साथ ही एलर्जी के खतरों को भी बढ़ा देता है। उतरती चढ़ती गर्मी का मौसम लोगों को ज्यादा परेशान करता है। ऐसे में अस्थमा, निमोनिया, टीवी के मरीज हों, धूम्रपान या प्रदूषण के कारण जो सांस की बीमारी झेल रहे लोग हैं, वो ऐसे मौसम में उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखें, विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो बदलते मौसम में अस्थमा और सांस के रोगियों को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, यानी कौन सी चीज़ों से उन्हें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, बिल्कुल उनका सेवन नहीं करना चाहिए, हम इस वीडियो में आपको वही सारी जानकारी देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। परहेज की फेहरिस्त में पहला नंबर है दोस्तों मूंगफली का। साथियों, अगर आप मूंगफली के शौकीन हैं और आपको सांस संबंधी समस्या है, तो बदलते मौसम में ऐसे लोगों को मूंगफली के सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एलर्जी हो सकती है। अब जो दूसरी चीज़ है उसे समझिए, वो है मछली। अस्थमा और सांस के वे रोगी जो नॉनवेज खाते हैं, जिन्हें मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें इससे दूरी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सांस संबंधी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। अस्थमा के मरीजों को मछली बिल्कुल नहीं खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये अस्थमा को ट्रिगर करती है, मतलब अस्थमा बढ़ा सकती है उसके रोग को और तेजी से बढ़ा सकती है। साथियों, परहेज की लिस्ट में तीसरा नंबर है दूध का। दूध सभी के लिए फायदेमंद हो ये जरूरी नहीं है। अस्थमा के मरीज के लिए बदलते मौसम में दूध नुकसानदायक हो सकता है। दूध के पीने के बाद सांस के मरीजों को खांसी, गले में तकलीफ और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है, इसलिए जितना संभव हो दूध का सेवन बंद कर दें या फिर सीमित मात्रा में करें। दोस्तों, परहेज की लिस्ट में अगला नंबर है अंडे का। बदलते मौसम में अस्थमा के मरीजों को अंडे खाने से बचना चाहिए। दरअसल अंडे में ऐसे तत्व होते हैं जिससे अस्थमा और सांस के रोगियों की परेशानी बढ़ जाती है और फेफड़ों तक में तकलीफ हो सकती है, इसलिए ऐसे मौसम में सांस के मरीजों को अंडे से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। अगला नंबर दोस्तों सोया। सोया वैसे तो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन कई बार ये एलर्जी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, इसलिए सांस और अस्थमा के पेशेंट को एलर्जी से बचने के लिए सोया खाने से परहेज रखने के लिए कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट नमक। साथियों, आमतौर पर वैसे भी नमक का सेवन कम ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से हाई बीपी समेत कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा नमक खाने से गले में सूजन आने की संभावना रहती है, इससे सांस और अस्थमा के मरीज की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए सीमित मात्रा में नमक का सेवन करें। साथियों, अगला नंबर जो है वो है अल्कोहल और सिगरेट, जो कि हमारे आजकल के दौर का कल्चर बन चुका है। साथियों, अस्थमा के मरीजों को शराब और सिगरेट जैसी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। यूँ तो सभी को बचकर रहना चाहिए और बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए अगर करना चाहते भी हैं तो, लेकिन जो पेशेंट सांस के मरीज हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा इससे परहेज बरतने की ज़रूरत है। असल में शराब में मौजूद सल्फाइड सांस की समस्या को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए अस्थमा के मरीजों को सिगरेट, शराब और बियर पीने से बचना चाहिए। इसी तरह साथियों, सुपारी, इसके सेवन से भी सांस के मरीजों को दूरी बना करके रखनी चाहिए। साथियों, हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही गहराई से और बारीकी से सरलता के साथ ये समझाने की कोशिश की कि जो सांस अस्थमा के मरीज हैं उनको किन किन चीज़ों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ़ायदे का है, ये जानकारी आपके फ़ायदे की है, आपको अच्छी लगी हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो पर कम से कम एक लाइक तो ज़रूर करें और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। इसी तरीके की जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।